रहमतुल्लाह वबरकातुहू, वेलकम बैक भाई। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक हो गए और काफ़ी दिनों के बाद जो है वो व्लॉग, क्या बोल लो, अभी कुर्बानी के दिन आने वाले एक जानवर तो यहीं घूम रहा है। और भाई सबसे पहले अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि चैनल अगेन खुल गया है, ओपन हो गया है। और चैनल ओपन होने के बाद से आज पहला व्लॉग बना रहे हैं। व्लॉग कुछ ऐसा है कि हम लोग, मैं अभी तक कहीं भी नहीं गया हूँ, कहीं के भी जानवर देखने नहीं गया हूँ। तो इस वक्त मैं और मेरा दोस्त जा रहे हैं JDC, जहाँ पे बकौल उनके के बराए मुस्तकीन चलता है। तो थोड़े उनके भी जानवर देख के आते हैं, किस किस्म के आए हुए हैं। सोशल मीडिया पे देखा तो है कि काफ़ी बड़े बड़े आए हैं, तो हम भी जाते हैं, हम भी थोड़ा इन्जॉय करते हैं और आप लोगों को भी इन्जॉय। हम पहुंच चुके हैं और यहीं से लग रहा है माहौल बना हुआ है, मुझे तो ऊपर से दिख रहा है अलग से। तो आए जानवर चेक करते हैं। अज्जा छोटू, ओ वाओ, ये कौन सी ऊँट है? इनके तो फुल स्टाइल। अभी मुझे तो लग रहा है इसके ज़ख्म हुआ हुआ है भाई। ये दो ऊँट हैं फिलहाल, अभी यहाँ तक के बगैर नकेले हो गए। हमजू ये नकेल नहीं है इनकी, पूरे होंगे जख्म हुआ ना नाक पे। और यार ये एक बछड़ा है, बड़ा प्यारा बछड़ा है बाबा, मैल फुल मैला हुआ हुआ है पसीने की वजह से। ये पाड़ा है, एक चीज ही है ये, एक ये बिल्कुल स्ट्रेट ऑस्ट्रेलियन बछड़ा खड़ा हुआ है। और ये दो आपके हमारे चांद बैल, स्विंग देखो अरे हिम्मत है भाई। अच्छा हिम्मत है वैसे इनको पकड़ के इनकी अनलोडिंग करना, तपड़ चाहिए वैसे इसके लिए। आप क्या कहते हो, अगर आपके हाथ में आएंगे तो कभी हाथ नहीं डालूंगा। दो चीज़ों पर नहीं डालते, एक सिंग वाले इस पर, एक ऊँट पे। दूर हो जाए, लग जाएगा कहीं ना कहीं और घुस जाएगा ये। एक बड़ा ये खूबसूरत जो है वो बछड़ा, एक ये खड़ा हुआ है। सिब्बी मेरे ख्याल से ये है जिसके बारे में वो बता रहे हो तो। नहीं नहीं वो खड़ा, अच्छा वहाँ खड़ा हुआ है। अच्छा भाई इस तरफ भी मैं आता हूँ थोड़ा सा, अभी नहीं आया, अभी इतने नहीं आया, अभी नहीं आया। ब्लैक जा, एक ब्लैक बछड़ा ये खड़ा हुआ है, अभी बड़ा टाइट है भाई। और ये क्या भैंस, इधर भी भैंस खड़ी हुई है, इसके पीछे से कमर तो देखो, बहुत बड़ी भैंस है भाई ये। एक और चांद बैल भाई, ये क्या मखलूक है खड़ी हुई, ये तो देख तो, ये इस बार बहुत ज़्यादा है ये, बता मतलब ये खाना खा रहा है तो मतलब ये कहीं ऐसा ना हो उसको यहाँ से खाना बाना हो, सींग कहीं भी घुस सकता है इसके, मतलब ये क्या हिसाब किताब चल रहा है भाई यहाँ पे। एक बैल ये खड़ा हुआ है, एक बैल ये खड़ा हुआ है, एक और पाडा हो रहा, एक पाडा वो खड़ा हुआ है। छोटा पाटा है लेकिन अच्छा खासा है, सेहतमंद है। एक बैल ये भी खड़ा हुआ है। तो भाई जावे कौन है ये, एक सिब्बी टाइप ही लग रहा है मुझे तो, सिब्बी कह ले इसको, लेकिन ये इतना मैला हो रहा है ना, सफाई वफाई कुछ नहीं हो रही। और ये नीचे इधर आ गया भाई, छोटी गायें बच्चे आ गए, गायें हो गए। ये गेनी नस्ल है पता सारे, वो देख दुम्बा, देख वो दुम्बा उधर देख, सिंह देख रहे दुम्बे के, ये सारे बच्चे हैं भाई। ये गेनी बच्चे हैं लेकिन ये गेनी नस्ल भी खड़ी हुई है इसमें। ये दुम्बे वाला दुम्बा देखें भाई आप लोग, ये पीछे पे बछड़ा आ गया, चार सिंगों वाला दुम्बा है ये। पर इनको पता नहीं गायों के बीच में कहाँ रखा हुआ है इन लोगों ने, वो तो है। खैर है कोई बात नहीं, अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ। ये है भाई वो सिब्बी, समझा, इधर आओ तुम। इसमें तुम देखो, मुझे भी वही लग रहा है जो तुम्हें दिख रहा है, लंपी है, लंपी हो ना, लंपी रिकवर्ड सिब्बी है ये, लेकिन बहुत बड़ा सिब्बी है। मेरा जैसा ही हाल है, मेरा जैसा क्या हाल है वो, इसके भी लंपी वैसे रिकवर्ड। अच्छा काफ़ी बड़ा सिब्बी है, मतलब तो ऊंचाई पे खड़ा हुआ है, सुतरा नहीं है, अच्छा नहीं है, सुतरा नहीं है ना, ख़त्म है पीछे से ढांचा है। ये वाला खूबसूरत सिब्बी है, फिर भी अगर बकौल इसके देखा जाए ना, ये थोड़ा नुकरा सिब्बी है, ये गुलाबी नाक में नुकरा सिब्बी के लाएगा ये, प्यारा ये फिर भी थोड़ा खूबसूरत है बकौल इसके, बेहतर है, हाँ ये खूबसूरत सिब्बी है यार। सिंह भी देख कितने अच्छे लग रहे हैं इसके,
एक बैल ये खड़ा हुआ है, एक पीछे वो छोटा सा भाई पाटा खड़ा हुआ है, ये भी खूबसूरत बछड़ा है बेटा। इधर आओ, अब देखो रंग इसका पीछे से। हाँ, पेट भी दबे होते हैं, तुम्हें लग ये भी रहा है क्योंकि ये खड़ा हुआ इस तरीके से। एक ये ऑस्ट्रेलियन बछड़ा खड़ा हुआ है, ये भी बहुत बड़ा बछड़ा है। करो करो दोबारा करो। एक बैठा हुआ ऑस्ट्रेलियन बछड़ा, डर क्यों गए तुम? और एक पाटा ये खड़ा हुआ है, वो तो बाहर तक आ गया प्यार करवाने को। और मज़े की बात बताता हूँ, उसने ये भी तोड़ दिया। एक पाटा ये रहा, सब डर रहे। दो ऑस्ट्रेलियन बछड़े ये खड़े हुए हैं, एक ये ऊँट का छोटा बच्चा खड़ा हुआ है, और जो है ना ये दो दो कोहान वाले ऊँट है, ये भी दो कोहान वाला ऊँट है। और इसके पीछे नहीं, खाली एक ही दो कोहान वाला ऊँट है, पीछे एक ही कोहान वाला ऊँट है, और ये बच्चा बैठा हुआ है। अब कौन अम्बब्बा है ये नहीं पता मुझे भाई। अब आगे चलते हैं, आगे बकरों का भी सेक्शन है, वहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत चेकिंग करवाते हैं, हम भी खुद चेक करते हैं कि भाई कैसा है। समझाते हैं, इधर बकरों का सेक्शन है लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मखलूकात बैठी हुई हैं यार। एक बछड़ा ये बैठा है, सुस्त हुए हैं, ऊपर से सड़पालें ढकी हुई हैं, और एक पाड़ा ये बैठा हुआ है यार। ये नहीं, ऑस्ट्रेलियन है ये, पाड़ा नहीं है, सॉरी ऑस्ट्रेलियन है यार ये। एक ऑस्ट्रेलियन वो भी बैठा हुआ है, यहाँ भी मतलब फुल टाइट बछड़े बंधे हुए हैं। एक सिप्पी ये बैठा हुआ है, अरे पापा अरे मार रहा है, अरे क्या हो गया बेटा? हमसे ये भी बड़ा सिप्पी लग रहा है मुझे, आराम कर रहा है लेकिन ये है थोड़ा। एक भैंस ये रही वो गेनी नस्ल टड्डू, ये भी अच्छे होते हैं, सब खूबसूरत होते हैं टड्डे। आँखों में खून देख रहे हो तुम, कैसा दौड़ रहा है इसकी पागल वैशी ही तेरे, देख तो धाक के देख, इसकी सफेदी है ही नहीं गई डायरेक्ट, वो काले बंटों के पास जो है ना लाल लाल हो रही है। एक 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 गहना ये है, ये बीच में छोटी ये बच्चियाँ क्या कर रही है उसमें, इसका क्या काम है इधर? अच्छा ये थोड़ा गट्टू माल है, नहीं लंबा है गहना, देखो तो गर्द, तुम सब छोड़ो गर्दन देखो माशाल्लाह। लेकिन वो कितने है ये थोड़ी, इन सब के बीच में एक पाड़े का भी बच्चा खड़ा हुआ है जिससे कट्टू माल लड़ रहा है। ये भी गहना है। और दो ये खड़े हुए हैं, इसके अलावा यहाँ पे भैंस के जो है ना वो बच्चे खड़े हुए हैं भाई। नहीं आया अभी, अभी और आएंगे तो। अभी दिन क्या है, तारीख क्या है आज, क्या तारीख है आज, तारीख क्या है आज ये बताओ। तुम्हें तारीख का नहीं पता, तुम यूनिवर्सिटी जाके क्या कर रहे हो? अच्छा बात, तू भी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी नहीं पता तारीख क्या है आज, 24-25 हो। मैं बताता हूँ ना आपको भाई, बस यही है, इसके अलावा ये बस पाड़े वगैरह बचे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक और बस आखिरी चक्कर लगा देता हूँ आप लोगों को, सब कुछ दिखा देता हूँ एक ही में, देख लो। अभी अभी ये है थोड़ा कि रश नहीं है, इसलिए जो है ना थोड़ा सुकून में पूरा प्रॉपर दिखा दिया मैंने आप लोगों को। सिप भी देखो भाई कैसा टाइट लग रहा है यार, दूर से देखने में सारे ऐसा घूर रहे जैसे पत्नी मैं क्या काम कर रहा हूँ। ये हाल है अभी JDC का। और मुझे याद है कि लास्ट टाइम तक जो है वो ऊँटों की कतार इधर बनती थी, और सारे ऊँट वगैरह इस तरफ बनते थे, और जो है ना लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे इन लोगों ने अभी सारे बैल वगैरह बांधे हुए हैं, और कुछ ही ऊँट आए हैं गिनती के जो कि इस वक्त यहाँ बंधे हुए हैं। अच्छा आपने एक चीज़ नोट की है, पहले ऊँट बनते थे इधर, पर इधर इन्होंने इस बार बछड़े वगैरह बांध दिए और ऊँट बंध रहे हैं इधर, मिक्स किया हुआ है सबको, बीच में इन्होंने सब कुछ जो है ना बीच में कर दिया है। अब ये हकीकत है कि और ऊँट वगैरह जो आएंगे, या अब ये अभी बछड़े उस वक्त नहीं खड़े हुए थे, आप देखो अब इनको भाई गौर से देख लो। ऑस्ट्रेलियन पता नहीं, ऑस्ट्रेलियन डंगर होते हैं बस, पसंद तो मुझे भी नहीं है, मतलब खूबसूरती नहीं है। और ये वाकई डंगर है, थोड़ा साइड पोज में दिखाते हो, हमसे यही खड़े रहो तुम, ये देखो भाई
ये वाकई डंगर बछड़ा है, बस सिर्फ डंगर ही है। खाना वाना दिल रहा है इन सबको। ये ओवरऑल व्यू है भाई जीडीसी का। तो जो जो लोग नहीं आए अभी तक देखने के लिए, सिर्फ उन लोगों की खातिर मैं आया हूँ कि वो लोग देखें जीडीसी में इस वक्त कितने जानवर आ गए। हाँ अबे ये बस मंडी मंडी से उठा रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। ये फड्डा वड्डा हो रहा है इधर गायों का भाई आपस में। हाँ तो खैर मैं ये बोल रहा था भाई, जो जो अभी तक जीडीसी नहीं आया, जिसने अभी तक नहीं देखी है, तो भाई ये बस उनके लिए एक छोटा सा व्यू था, मैंने भी नहीं देखा था अभी तक। तो आप लोग भी भाई देख लो। और इसके अलावा जब मज़ीद और जानवर आएंगे तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एक ऐसे टाइम पर आऊँ जब बिल्कुल रजिस्टर हो। क्या नहीं 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 निकलेगा, कान कान के पीछे। ओए मार क्यों रहे हो, कान को आगे ले आओ बस। बस हो गई, मोरा बंधा हुआ है उसका, नकेल वो आ जाती है, दो रस्सियों में बंधा हुआ है। उसकी जो खाना डाल रहा है उसकी कुटास लग रही है वहाँ पर। चीज़ यार एक चीज़ बड़ी वो है कि बछड़ा जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि इसने तोड़ा है ये सब कुछ, और ये चीज़ बहुत नुकसानदेह है। ये मतलब लोहा निकला हुआ है, लेकिन यहाँ पर अब इंतजाम में कोई चीज़ को देख नहीं रही कि अगर ये जानवर वाकई कुर्बानी के हैं तो फिर इनका भी ख्याल किया जाए कि इस चीज़ का कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि ये जानवर को नुकसान देगा। वो वहाँ पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है टूटा हुआ, वो पाए पे लग सकता है। सादात कैटल फार्म वालों का बछड़ा ही है, तो उनको चाहिए कि यार इन चीज़ों का जो है ना थोड़ा ख्याल रखें, और अल्लाह ना करे कि जानवर को कोई नुकसान हो या कुछ हो। देखो यहाँ यहाँ से आ रहा है निकल के प्यार करवाने को, उसमें ख़तरा है इसको चोट लगने का। तो अगर ये वीडियो कोई देखे या जीडीसी वगैरह से, तो उस चीज़ का ख्याल ज़रूर करवाए भाई। टाइट हो रही है, खाना नहीं डाल पा रही, फुल हालत टाइट हो रही है भाई। टिंग वाइटिंग खुल गई है, थोड़ा रात का टाइम होने वाला ना, क्योंकि अभी मगरब के टाइम पे हम यहाँ पे घूम रहे हैं, तो ये थोड़ा अब हिसाब देख लें भाई, थोड़ा रात का टाइम हो गया और ये लाइटनिंग वाइटिंग खुल गई है। अभी तो ये सब भी पूरा खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी मट्टी वट्टी दलेगी, यहाँ पे भी जानवर वगैरह आएंगे, पूरा हिस्सा भर जाएगा ये, पूरा हिस्सा भर जाएगा ये। ये था जीडीसी तक का व्लॉग। बाकी पीछे जो है मैं आ गया था, जैसे आप लोग पीछे देखें और भी भाई गाय वगैरह खड़ी हुई हैं। ये मैं अपने दोस्त के यहाँ आया हूँ, तो इधर उसने बोला था भाई आ जाओ थोड़ा थोड़ा देख लो मोहल्ले में, हमारे भी जानवर वगैरह आए हुए हैं, तो मैं आ गया था थोड़ा देखने के लिए। बाद में बस मैं बस इस व्लॉग को एंड करूँगा, और मैं बस ये बात कहना चाहूँगा कि अभी जीडीसी में जितना कुछ आया था खाली वो आप लोगों को मैंने दिखाया है, और भी जब अगर मज़ीद जानवर वगैरह आएंगे तो मैं इंशाल्लाह जाके दोबारा आप लोगों को दिखाऊंगा, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। ये नॉर्मल से एक छोटा सा व्लॉग था खाली आप लोगों के लिए, ताकि भाई जो घर भी बैठा हुआ है वो आराम से देख ले जीडीसी में अभी कितने जानवर आए हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़।